सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। मैं शिवानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ MPYE010 फिलॉसफी ऑफ रिलाइजन। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्मेट से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, जिससे कि आपके अपने असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, अगर आपको इनके सॉल्वफिट PDF या फिर हैंड रिटन का ऑर्डर देना है तो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, मैं लेके चलती हूँ आपको अपने असाइनमेंट्स पर। स्टूडेंट, हम आ गए अपने असाइनमेंट्स पर। यह हमारा MPYE010 फिलॉसफी ऑफ रिलाइजन। एंड देन आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसके आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं, इसका बी पार्ट। एंड देन ये आता है हमारा डी पार्ट। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कितनी धीरे धीरे डाउन कर रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कलरफुल शीट का आपको यूज़ नहीं करना है, ब्लैक एंड वाइट शीट यूज़ करनी है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। एंड नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। स्टूडेंट, ये हमारे डी पार्ट। एंड देन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। स्टूडेंट, हमारे असाइनमेंट्स में आपको कोई भी डाउट क्लियर करना होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। वो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। एंड स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शिवानी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।